नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार लोन के बारे में। अगर आप लोग भी युवा हैं तो आप लोग के लिए योजना जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप लोग भी किसी प्रकार का स्वरोजगार करना चाहते हैं तो आप इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करके अपना किसी प्रकार का स्वरोजगार ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, ये लोन जो है वो प्रॉपर वैसे तो है सरकारी लोन, लेकिन आपको बैंक से जो है ये लोन आपको अप्रूवल करवाना होता है। आपको सब्सिडी जो है वो सरकार देगी, बट आपको जो है इसमें थोड़ा सा आपको बैंक में जा करके खुद से अप्रूवल करवाना होता है। तो इस योजना के बारे में जो है हम आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, क्या इसका नियम और शर्त है, और डॉक्यूमेंट जो आप लोग को लगेगा वो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, अप्लाई आप लोग किस प्रकार से करोगे, ए टू जेड जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए सीधे पीसी स्क्रीन पर एक एक करके सारा जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में लोन अप्लाई करने से पहले इनका टर्म एंड कंडीशन पहले ही आप समझ लीजिए, ताकि आपको लोन लेने में किसी भी प्रकार का समस्या सामना ना करना पड़े। तो देखिए, हम आपको एक एक करके सारा जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2024, इस योजना के अंतर्गत जो है आपको लोन दिया जाता है 10 लाख से 25 लाख रुपया तक का। तो दोनों के बारे में हम आपको एक एक करके समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान पूर्वक से समझिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए, ये लोन जो है दो अमाउंट में दिया जाता है, पहला जो है वो 10 लाख है, दूसरा जो है वो 25 लाख है। अब देखिए, 10 लाख जो है आपको, अगर आप मान लेते हैं किसी प्रकार अगर आप सर्विस सेक्टर में काम करते हैं तो आपको 10 लाख रुपया लोन इसमें देखने को मिलेगा, अगर आप सर्विस सेक्टर में काम करते हैं तब। वहीं अगर आप किसी प्रकार का मैन्युफैक्चर अगर आप करते हैं, यानी कि फैक्ट्री वगैरह सब लगाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 25 लाख रुपया तक जो है आपको लोन देखने को मिलेगा। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो है सब्सिडी की अगर हम बात कर ले, तो जनरल और EWS वाले जो भी हैं उन लोगों को 25% सब्सिडी मिलने वाला है 10 लाख पर, ठीक है। जो लोग EWS और जनरल से हैं उन लोगों को 25% मिलेगा, वहीं जो OBC SC ST है उन लोगों को 35% सब्सिडी मिलेगा 10 लाख के लोन पे। वहीं अगर मान लेते हैं इसमें अगर आप 25 लाख वाला में अगर आप अप्लाई करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जो है जनरल और EWS वाले को 25% सब्सिडी होगा, और उसके बाद OBC SC ST को जो है 35% सब्सिडी मिलने वाला है। तो ये इनका जो हमको बता दिया लोन अमाउंट, सब्सिडी के बारे में और कैटेगरीज के बारे में। लोन आप आपको खुद से डिसाइड करना है कि हमें जो है मतलब कौन सा बिजनेस करना है, जो भी बिजनेस करोगे उस हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है आवश्यक दस्तावेज, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना होगा इस लोन को प्राप्त करने के लिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको पहला नंबर जो है वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना होगा, जिसे हम DPR भी बोलते हैं, तो ये आपको बनवा करके देना होगा। उनके बाद जो है आपको एक MSME या फिर आधार उद्योग दे दीजिए, दोनों एक के बात हुआ, MSME या फिर आधार उद्योग आप दे दीजिए एक बनवा करके, वो खुद से भी आप बना सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर हमारे आई बटन में चेक करिए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा आधार उद्योग कैसे बनाया जाता है, आप तुरंत ही बना लोगे। उनके बाद आपको एजुकेशन का पेपर आपको देना होगा, जो भी आप एजुकेशन मतलब जहाँ तक पढ़े लिखे हो वहाँ तक आपको एजुकेशन का पेपर देना होगा। उनके बाद आपको एक आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा, बैंक स्टेटमेंट देना होगा 6 मंथ का, उसके बाद एड्रेस प्रूफ में एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए, जैसे कि अपना बिजली का बिल दे दीजिए, पानी का बिल दे दीजिए, जमीन का रसीद दे दीजिए, वोटर आई डी कार्ड दे दीजिए, जो भी आपको चीज़ लगता हो इनमें आप एक एड्रेस प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट को अटैच कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इनका देखिए नियम और शर्त क्या है, इनको थोड़ा गौर से समझिएगा, तभी जाकर के आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अब देखिए, कोई जो है फूड से रिलेटेड इसमें बिजनेस करना चाहते हैं, अब मान लेते हैं देखिए सर्विस में तो आप फूड का बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर में ही करोगे आप, सर्विस में जो है फूड का वही बिजनेस होगा कि अब मतलब आप जूस वगैरह सब बेचोगे, तो वही एक तरह से सर्विस हो गया। अब मैन्युफैक्चर में क्या होगा कि जूस को आप तैयार करोगे, तो जूस तैयार करने का मतलब हो गया कि आप फैक्ट्री में उसको बनाओगे, तो वो मैन्युफैक्चर हो गया। अब जैसे कि अगर देखते हो ठेला वगैरह पे जूस बेचा जाता है, तो वो एक तरह से सर्विस हो गया, वो मैन्युफैक्चर नहीं हुआ। बट आपको जो है ठेला लगाने के लिए 10 लाख तो देगा नहीं, ये भी बात एक इंपॉर्टेंट बात ही है कि आपको ठेला लगाने के लिए 10 लाख देगा नहीं, तो उस हिसाब से मैन्युफैक्चर में ही ये बिजनेस आएगा फूड वाला। तो फूड वाला अगर मान लेते कोई फूड से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हो, तो उसको जो एक सर्टिफिकेट देना होगा, जिसका नाम जो है FSSAI, मतलब एक फर्टिलाइजर का सर्टिफिकेट होता है, वो आपको जो है एक बनवा करके देना पड़ेगा। अगर आप मुझे कमेंट करते हो तो बता देंगे आपको जो है इसका सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है। और मजे की बात यह है दोस्तों कि ये योजना जो है केवल यूपी सरकार का जो ये योजना है, और केवल यूपी के लोग जो है इसमें फॉर्म भर करके लाभ ले सकते हैं। अदर स्टेट में जो है ये योजना नहीं चलता है, केवल एक ही स्टेट में मतलब ये योजना जो है अभी यूपी में चल रहा है। आप कौन सा स्टेट से हो जल्दी कमेंट करिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितना भी स्टेट है सभी का वीडियो जो है अब मेरे चैनल पर आने वाला है एक एक करके। तो पहले आप जितना ज़्यादा
जो भी स्टेट का कमेंट होगा पहले उसी स्टेट का वीडियो हम पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये यूपी के लिए हो गया, यूपी वाले जो भी हैं उन लोगों के लिए मौज है, इसमें फॉर्म भर करके आवेदन करेंगे। उम्र जो है, उम्र सीमा इसमें 18 वर्ष से लेकर के जो है मतलब 18 वर्ष से ऊपर ही होना चाहिए, 50 वर्ष तक चल जाएगा, महिला पुरुष दोनों जो है आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है आप लोग का एजुकेशन जो वो कम से कम भैया आपका 10वां अगर आप पास किए रहेंगे तभी जाकर के आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा, नहीं तो कोई जुगाड़ नहीं। आपका 10th पास होना जो वो बहुत ज़रूरी है। परिवार में जो है एक ही व्यक्ति के नाम से ये लोन होगा। मान लेते हैं आप दो भैयाड़ी हैं या फिर चार भैयाड़ी हैं, तो आपका मतलब भाई जो है केवल एक को भैया के नाम से लोन होगा। तो ये मत सोचिएगा कि परिवार में जितना भी भाई है, पापा में है, सब मिला करके लोन को ले लेंगे, तो वो संभव नहीं है। परिवार में कोई एक व्यक्ति को ही ये लोन मिलेगा। अब उनके बाद एक मुद्दा की बात और एक है कि ये लोन जो है केवल में केवल आपको सरकार ही मतलब सरकारी बैंक ही ये लोन सेंक्शन करेगा। अब ये मत सोचिएगा कि HDFC या फिर एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये सब बैंक आपको लोन कर देगा, वो उनका उम्मीद जो है छोड़ ही दीजिए। केवल सरकारी बैंक ही आपको ये लोन करेगा, जैसे कि SBI बैंक हो जाता है, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो भी मतलब हम एग्जाम्पल में 2-4-5 को यहाँ पर लिख करके आपको हम बताए हुए हैं कि केवल जो सरकारी बैंक जो है ये लोन आपको करेगी। तो केवल आपको सरकारी बैंक में ही ये लोन मतलब सरकारी बैंक में आपका अकाउंट भी होना चाहिए। ये चीज़ को आप समझ गए। अब आप समझिए यहाँ पर आवेदन का प्रक्रिया क्या है। आवेदन का प्रक्रिया और चयन का प्रक्रिया, दोस्तों आवेदन का प्रक्रिया जो वो ऑनलाइन मोड में आपका फॉर्म जो वो फिलअप होता है। अप्रूवल किस प्रकार से होता है, यानी कि चयन अप्रूवल जो आपको नोडल एजेंसी के माध्यम से आपका डॉक्यूमेंट जो वो वेरिफिकेशन किया जाता है। जब आपका टोटल जो भी जानकारी आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते वक्त जो भी जानकारी आप डाले हो, अगर आपका सही होगा, सब कुछ ठीक होगा, तो ये नोडल एजेंसी के द्वारा जो है आपका फॉर्म को अप्रूव करके जो है बैंक को दे देगा। बैंक आपका फॉर्म को जो फिर से रीचेक करेगा, फिर से रीचेक करने के बाद आपको बुलाया जाएगा बैंक में, फिर से बैंक वेरिफिकेशन करेगा। बैंक अगर आपसे संतुष्ट हो जाता है तो वो आपके घर पे आएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद जो है आपको जो भी आप लोग का लोन अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट में डिसबर्समेंट कर दिया जाता है। नोडल एजेंसी जो है कम से कम आपको 8 से 10 दिन लगाता है प्रोसेस करने में, और बैंक भी जो कम से कम 10 से 15 दिन लगाता है। तो अराउंड मान के चलिए कि 1 महीना के अंदर अंदर जो है आपका ये लोन अप्रूवल हो जाता है, अगर फास्ट में काम हुआ तो, नहीं तो वैसे 2-3 महीना भी लग सकता है। सरकार का योजना है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीना लगेगा तो वो चलने वाला। लेकिन आपको जो है 6 महीना कब लगेगा, जब आप फॉर्म भर करके सो जाओगे ना तब जा करके लगेगा। अब देखिए जैसे कि फॉर्म भरने के बाद जो आपको नोडल एजेंसी के मतलब माध्यम से जो चेक होता है, तो सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर एक बार पता कर लीजिएगा उद्योग का ऑफिस कहाँ पर है, और आपको बता भी देना है इस प्रकार का हम फॉर्म भरे हैं, थोड़ा फॉर्म को जो जल्दी से जल्दी अप्रूवल करवा दीजिए, तो आपका काम जो वो थोड़ा सा जल्दी में बन जाएगा। तो इस योजना के अंतर्गत आप लोग को फॉर्म भरना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हम आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बतला देंगे किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है इस वीडियो में, कि मैं आप लोग को इनका जानकारी हम बताए हुए हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट कर दीजिएगा आगे का नेक्स्ट वीडियो आप किस प्रकार का देखना चाहते हैं। वैसे दोस्तों हम इस वीडियो करते एंड, अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखना आपका था, तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।